बात करेंगे दोस्तों इस हफ्ते के एक और क्लैश के बारे में। इस हफ्ते रिलीज होने जा रही है बत्ते को मीटर चालू और उसके एक हफ्ते बाद रिलीज होगी वरुण धवन की सुई धागा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों के अंतराल में दो बड़ी फिल्में, शाहिद कपूर वर्सेस वरुण धवन। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बत्ते गुल मीटर चालू की। इस फिल्म में आपको शाहिद कपूर के अलावा देवेंद्र और श्रद्धा कपूर भी देखने को मिलेंगी। फिल्म सोशल मुद्दे को लेकर बनी है। इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा को डायरेक्ट किया था, यानी कि श्री नारायण सिंह। फिल्म का मुद्दा काफी शानदार है, जैसे कि बत्ते गुल होने के बाद भी मीटर चालू रहना। फिल्म में आपको यामी गौतम भी देखने को मिलेंगी। फिल्म के ट्रेलर और गाने पहले ही हिट हो चुके हैं और शाहिद कपूर की पद्मावत के बाद में इस साल की दूसरी फिल्म है। लोगों को फिल्म से काफी आस है क्योंकि शाहिद कपूर एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में नजर आएंगे और फिल्म में एक बार फिर से श्रद्धा कपूर नजर आएंगी, जिनकी हाल ही में स्त्री ब्लॉकबस्टर रही है। अब बात करते हैं वरुण धवन अनुष्का शर्मा की सुई धागा। दोस्तों सुई धागा के ट्रेलर को काफी ज्यादा सराहना मिली, लेकिन अनुष्का शर्मा की ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर खूब बढ़ चढ़ कर हुई और ऐसे में सुई धागा को हाइप भी मिल गई है। जो फिल्म ट्रॉल होती है अक्सर सिनेमाघरों में दर्शक उसकी ओर खींचे चले आते हैं। फिल्म यहां पर यशराज के प्रोडक्शन तले बन रही है और वरुण धवन की साल में अक्टूबर के बाद में ये दूसरी फिल्म है। अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में सफल नहीं हो पाई थी, तो यहीं पर दोस्तों वरुण धवन को यहां पर सुई धागा से कम 100 करोड़ की आस होगी। लेकिन बत्ते गुल मीटर चालू या फिर सुई धागा, दोनों में से किसी एक को 100 करोड़ से पहले तो रुकना ही होगा। जिसका कंटेंट मजेदार होगा, जिसका कंटेंट दमदार होगा, वही फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े तक जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वरुण धवन या शाहिद कपूर कौन होगा इस हफ्ते का बॉलीवुड किंग और कौन करेगा सितंबर को हिट के साथ में एंड? कमेंट करना ना भूले और साथ साथ अपने फेवरेट हीरो का नाम भी कमेंट करें इन दोनों में से, और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।